नींद में हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन सपने अकारण नहीं होते, बल्कि हर सपने का अलग अलग अर्थ होता है। स्वप्न शास्त्र में कुछ सपनों को शुभ तो कुछ को अशुभ माना जाता है। कई सपने ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत माने जाते हैं। नींद में हम कई तरह के सपने देखते हैं, लेकिन अगर सपने में सांप दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ऐसा सपना शुभ होता है या इसे अशुभ माना जाता है? आइए जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बार बार सांप के सपने दिखाई देते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है या राहु केतु की दशा चल रही होती है, तो ऐसे लोगों को सांप के सपने अधिक आते हैं। वहीं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सांप के सपने भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं सपने में सांप देखने के शुभ और अशुभ संकेते। 11 शुभ सपने। नंबर 1, आप सपने में यदि मरा हुआ सांप देख रहे हैं तो यह माना जाता है कि अब शुभ समय आने वाला है, क्योंकि आपने राहु दोष से उत्पन्न सारे कष्ट झेल लिए हैं। नंबर 2, रात में सोते समय अगर सपने में सफेद या सुनहरा या चमकीला सांप नजर आए तो यह भी किस्मत खुलने का इशारा होता है। यह भी कहा जाता है कि पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 3, सपने में सांप आपको कहीं जाते हुए दिखाई दे या आपको देखकर छुप जाए तो समझा जाता है कि पितृदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। नंबर 4, सांप को फन उठाए देखने का अर्थ है संपत्ति की प्राप्ति के योग। नंबर 5, खुदाई करते समय सांप निकलता हुआ दिखाई दे तो समझो धन प्राप्त होगा। नंबर 6, सफेद सांप का देखना और उसका काटना शुभ माना जाता है, इससे ढेर सारे धन की प्राप्ति होती है। नंबर 7, सपने में सांप के काटने से मर जाना दीर्घायु प्राप्ति की सूचना है। नंबर 8, सपने में सांप रास्ता काट जाए तो यह आपकी विजय और शत्रु की पराजय की सूचना है। नंबर 9, सपने में सांप को सिर पर बैठा हुआ देखना इस बात का संकेत है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नंबर 10, सपने में सांप निगल जाए तो व्यापार में उन्नति होगी। नंबर 11, सांप को बिल में जाते हुए देखने का अर्थ है अचानक धन की प्राप्ति होगी। 10 अशुभ सपने। नंबर 1, कहते हैं कि सपने में बहुत सारे सांपों का दिखना अशुभ होता है, हालांकि आप सपने में इन सांपों को मार देते हैं या इनसे बचकर निकल जाते हैं तो यह समझा जाता है कि आने वाले संकट पर आप विजय पा लेंगे। नंबर 2, यदि सपने में सांप आपका पीछा कर रहा है और आप बहुत घबराए हुए हैं तो यह समझा जाएगा कि आप भविष्य के प्रति डरे हुए हैं, कोई चिंता आपको खाए जा रही है या किसी बात को लेकर आप डरे हुए हैं। यह भी हो सकता है कि आप किसी सच को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे या उस राज के खुल जाने का आपको डर है, हालांकि यह सपना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, सपने में सांप का डंसना इस बात की सूचना है कि आपको जल्द ही गंभीर रोग होने वाला है या किसी प्रकार का संकट आने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। नंबर 4, सपने में सांप द्वारा दांत दिखाना या काट लिए जाने की पोजीशन बनाकर दांत दिखाना इस बात का संकेत है कि आपको कोई धोखा दे सकता है या किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 5, सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखने का अर्थ है कि आप कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना पड़ सकते हैं। नंबर 6, बार बार सांप का दिखाई देने का अर्थ है कि आपको पितृदोष हैं या आपके पितृ आपसे नाराज हैं। नंबर 7, सांप को बिल में से बाहर निकलते देखना धनहानि है। नंबर 8, सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखना आने वाले किसी संकट की सूचना है। नंबर 9, सपने में सांप का आपके ऊपर गिरना किसी गंभीर रोग होने का संकेत है। नंबर 10, सपने में बहुत बड़ा काला सांप दिखाई देना किसी खतरे का संकेत है। इसके अलावा और संकेत, सांप का झुंड देखना। अगर आप सपने में सांपों का झुंड या ढेर सारे सांप देखते हैं तो ऐसे सपने को अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसे सपने जीवन में आने वाली परेशानियों के संकेत होते हैं। सपने में काला सांप देखना। सपने में अगर आप काले रंग का सांप देखते हैं तो इसका मतलब है
आपको धन हानि हो सकती है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। सांप को मारना, अगर आप सपने में सांप को मारते हुए देखते हैं तो ऐसा सपना शुभ होता है। इसका अर्थ है कि आपको अपने शत्रु से विजय प्राप्त होने वाली है। मरा हुआ सांप देखना, सपने में मरा हुआ सांप देखने का संबंध कुंडली में राहु दोष से होता है। इस तरह के सपने देखने के बाद आपको ज्योतिषी की सलाह पर राहु दोष निवारण के लिए उपाय करने चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सपने में सांप देखने के संकेत समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।